जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज का रामायण पाठ पद्म सब तन तना सिर पर कोई भाई मनी करू तुम सोई भले मंद मंदे ही बल करहू विषमे हर्ष नहीं एक शूदर हूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को बाता है वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। देह की परिचय हु सब काहू अति संक मन सदा उषाऊ कर्म सुबह शुभ तुम ही न बाधा अब लगी तुम ही न काहू सादा। सबको ठग ठग कर परक होगे हो और अत्यंत निडर होगे हो, इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बाय न दीना पाप हुगे फल आपन कीना बंजे मोही जवनी दरी देहा सोई तनु दरु श्राप ममेहा। आपकी तुमने अच्छे कर बैना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी किया था, अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को दान करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर दान करो, ये मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम किन ही हमारी करही किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार किन तुम बारी नारी बिन तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप शीस दरि हरषि प्रभु बहु विनती की, निज माया के परवलता करशि कृपा निधि लीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजल बिहारी, मेरे प्रभु राम। जय सिया राम। श्राप को सिर पर चढ़ा कर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निराम भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी नहीं तहां रमाना राजकुमारी, तम मुनि अति सभी हरि चरना गहे पाई पनतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब हां ना लक्ष्मी ही रही ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत व्यभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहुते दे कह मुनि पाप मिटी ही कि मेरे हे कृपालु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपू जाय शंकर सतनामा होई हृदय तुत विश्रामा, कऊ नहीं शिव उस्मान प्रिय मोरे असी पर तीति तजू जनी बोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। यही पर कृपा न करी पुरारी सोना पाव मुनि भगति हमारी, असुर धरी मही बिचर हूँ जाई अब न तुम्ही माया निराई। हे मुनि शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता, हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि पर बोधि प्रभु तब वे अंतर ध्यान, सत्य लोक नारद चले करत राम गुण गान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मेरे प्रभु राम। जय सिया राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा कर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए। ओ नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पत देखी विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सवित नारद बही आए गही पद आदत वचन सुनाए। शिव जी के गणों को जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब अत्यंत व्यभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ कर दीन वचन बोले।
हरगन हम न विप्र मुनि राया बड़ अपराध कीन फल पाया श्राप अनुग्रह करू कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं है शिव जी के गाने हैं हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया हे कृपालु आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा निश्चर जाय हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो बुज बल विश्व जी तब तुम जहिया दरिही विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति हो तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा हो मुकुत नापूनी संसारा चले जग जुगल मनि पद सिर नाई बे निशाचर काली पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही है तू प्रभु लीन मनुज अवतार सुर रंजन सज्जन सुखद हरि बंजन बुबिबार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी दघु सुदशरथ जल बिहारी मेरे प्रभु राम जय सिया राम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र घने रे कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही जा चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म कर्म है प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं तब तब कथा मुनि सन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई विविध प्रसंग उपबखाने करी न सुनी आचरजु सियाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनूं बहु विधि सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाई न गाए। श्री हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। ये प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोही मुनि ज्ञानी प्रभु कौतुकी परनत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं हे पार्वती मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं प्रभु लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सूर्य नर मुनि कौ नहीं जई नामो माया पर्व सूर्य नर मुनि कौ नहीं जई न माया माया प्रबल अस विचारी मन माही भजी महामाया पति ही सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी दबु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महा माया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपरे हे तु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी यही कारण अज अग्न रूपा ब्रह्म बेउ कौशल पूर्ण भूपा। हे गिरिराज कुमारी आप भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण
रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापति अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत दरे मुनिवेशा जा सुचरित अवलोक भवानी सती शरीर रही हूँ बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था और हे भवानी जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजू नशाया मिट्टी तुम्हारी ता सुचरित सुन ब्रह्म रुझहारी लीला किन जो तही अवतारा सो सब कहूँ मती अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। बोल सियापति राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।